नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V21e 5G versus Realme X7 Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo V21e 5G में 6.32 इंच जबकि Realme X7 Max में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Vivo V21e 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Vivo V21e 5G में 2.91 इंच जबकि Realme X7 Max में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Vivo V21e 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Vivo V21e 5G में 0.3 इंच जबकि Realme X7 Max में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo V21e 5G में 165 ग्राम जबकि Realme X7 Max में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo V21e 5G में AMOLED जबकि Realme X7 Max में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo V21e 5G में 6.44 इंचेस जबकि Realme X7 Max में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo V21e 5G में 84.37% जबकि Realme X7 Max में 85.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo V21e 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और Realme X7 Max की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो ममेरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo V21e 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme X7 Max की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo V21e 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Realme X7 Max में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo V21e 5G में Mali G57 MC2 जबकि Realme X7 Max में Mali G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo V21e 5G में MediaTek Dimensity 700MT 6833 और Realme X7 Max में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo V21e 5G में अप टू 1TB जबकि Realme X7 Max में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo V21e 5G में 4000mAh जबकि Realme X7 Max में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Vivo V21e 5G में 2 कलर्स जबकि Realme X7 Max में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo V21e 5G की 22,999 रुपीस जबकि Realme X7 Max की 24,999 रुपीस प्राइस है, जो कि Vivo V21e 5G से ज्यादा है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme X7 Max आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Realme X7 Max आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Eco Z3 है, जो कि 19,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Vivo Y72 5G है, जो कि 20,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V21 5G है, जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 5G है, जो कि 22,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।